मेरे साथ से मौजूद है आशीष, नमस्कार। तो बताइए, जीएसटी से क्लियरली रिलेटेड एक स्टॉक जहां पर आप समझते हैं कि तेजी बन सकती है पोर्टफोलियो में, अगर उसको रखा जाए, पहला स्टॉक आपकी ओर से। गुड मॉर्निंग रजत जी, गुड मॉर्निंग पूजा जी। मेरा पहला स्टॉक रहेगा सेंचुरी प्लाई, क्योंकि जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है और जिस तरह का यहाँ पे हमें बेनिफिट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, तो मैं मानता हूँ सेंचुरी प्लाई पे खरीदारी करने की सलाह होगी मेरी। इसका स्टॉपलस मैं थोड़ा डीप डाउन देने वाला हूँ, क्योंकि मेरा होराइजन जो है वो थोड़ा लंबे अवधि का नजरिया मैंने रखा है। स्टॉपलस 145 का लगाने की सलाह होगी। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 225 रुपए का, कि जो मैं मानता हूं कि करीबन 10 महीने से एक साल के अंदर भीतर ही अचीव होना चाहिए। तो बहुत अच्छा अपसाइड मुझे सेंचुरी प्लाई में दिखाई दे रहा है, इसलिए खरीदारी करने की सलाह है। एक पिक और दीजिए, उसके बाद हम ब्रेक के लिए रुकेंगे। अगली पिक कौन सी होगी जहां पर पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकता है वो स्टॉक? इसमें भी बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बेहतरीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक फाउंडेशन इसने एक बेस फॉर्मेशन बनाया है, तो यहाँ पे खरीदारी अगर करते हैं तो रिस्क थोड़ा कम है और रिटर्न ज्यादा मिलने की संभावना इस चार्ट पर दिखाई दे रही है, इसलिए आदित्य बिरला फैशन खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस 195 का होगा, पहला लक्ष्य होगा 240 का और दूसरा लक्ष्य होगा 260 का, और ये भी करीबन 10 महीने से एक साल के भीतर टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। आपके दो स्टॉक्स कौन से अगले? रजत जी, मेरा अगला स्टॉक रहेगा टाइटन। टाइटन का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर देखते हैं और जिस तरह की मूवमेंट्स इस पर्टिकुलर काउंटर में आती हुई हम देख पा रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इसमें मिल सकता है। अभी ये स्टॉक करीबन 1336 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि इसमें एक बहुत ही अच्छी रैली इस काउंटर में आई है, तो हो सकता है कि यहाँ से एक छोटा करेक्शन इस काउंटर में आ सकता है, और ये जो करेक्शन होगा ये एक अपॉर्चुनिटी होगा इस स्टॉक को बाय करने का। तो मैं मानता हूं कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट करना चालू कर देना चाहिए। ये जो करेक्शन आ सकता है ये करीबन 1250 तक आने की संभावना चार्ट के ऊपर है, तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगा बाय करने का। अगर हम यहाँ पे एक्युमुलेट करते हैं तो स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1200 रुपए का, और मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 1500 रुपए का, जो कि अगले 6 से 8 महीने में ही हासिल होता हुआ दिख पाएंगे। सर, अगला स्टॉक है एनसीसी। एनसीसी भी बेहतरीन लेवल्स पे अभी यहाँ पे अट्रैक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा करेक्शन हो गया था, उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दिया, और अभी ये जो प्राइस है ये जो बेस फॉर्मेशन है उसके लोअर एंड के नजदीक है, तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ही बेहतरीन आया है। जब जब ये स्टॉक करीबन 88-90 के लेवल के करीब आया है, वहां से एक अच्छा बाउंस बैक हमें मिला है, तो मैं मानता हूं यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए, और इसने एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी फॉर्म किया है, तो ये दो वजह है जहां पे मैं खरीदारी करने की सलाह देता हूँ। स्टॉप लॉस 85 रुपीज का लगाएंगे और ये स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर मॉनिटर करने होंगे। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 108 रुपए का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 120 रुपए का, और मैं मानता हूं कि ये भी अगले 6 से 7 महीने में टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। चलिए, आपकी आखिरी पिक जो अच्छे रिटर्न्स दे सकती है 8 महीने 9 महीने के पर्सपेक्टिव से। रजत जी, थोड़ा छोटा समय का या मध्यम अवधि का मैंने स्टॉक यहाँ पे ढूंढा है, गोदरेज प्रॉपर्टीज। बहुत ही बेहतरीन चार्ज स्ट्रक्चर है, मैं मानता हूँ यहाँ से एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो छोटे समय में ज्यादा मिलने की संभावना है वो इस चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। अभी ये स्टॉक खरीदारी अगर करते हैं तो स्टॉप लॉस 950 रुपए का होना चाहिए, और मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 1250 का, जो अगले 3 से 5 महीने के अंदर ही अचीव होता हुआ हम देख पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़े रैली के बाद होता हुआ कंसोलिडेशन है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसे ये स्टॉक 212 रुपए के ऊपर निकलेगा तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिल जाएगा, और उस केस में इसका पहला लक्ष्य जो निकल के आ रहा है वो है करीबन 235 रुपए का, तो एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिल सकता है, तो होल्ड करने की सलाह होगी। एक डीप डाउन स्टॉप लॉस यहाँ पे रेकमेंड करूंगा 193 का, जो कि क्लोजिंग बेसिस पर मॉनिटर करना हो। इसके चार्ट्स देखकर बताइए अगले लेवल्स आप क्या देख रहे हैं? शानदार तेजी आज देखी जा रही है और एक हफ्ते के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या और तेजी देखने की उम्मीद है, और स्टॉप लॉस भी इन्हें सुझाइए। हाँ, इस स्टॉक में थोड़ी और तेजी बनने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो तेजी आने की संभावना है उसके पहले वापस एक बार इसमें बिकवाली भी आ सकती है, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे उन्होंने जितने स्टॉक लिए हैं उसमें से 50% प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। बचे हुए 50% के लिए मैं इनको स्टॉप लॉस जो रिकमेंड करूंगा वो रहेगा करीबन 112.80 रुपया का, और अगर ये बचा हुआ 50% क्वांटिटी होल्ड करते हैं तो इनका अगले एक हफ्ते में टारगेट इनको मिल सकता है करीबन 119.5 का पहला लक्ष्य होगा और 122 का दूसरा लक्ष्य होगा। आशीष, आप राय दीजिए इलाहाबाद बैंक पर अभी क्या करें, हल्के मुनाफे में है ये?
पुजा जी होल्ड करने की सलाह होगी क्योंकि इसने पिछले टॉप को तोड़ा है और वहां पे कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि यहां पे थोड़ा ये स्टॉक रेस्ट करके वापस ऊपर उछलने की संभावना है, होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस में इनका जो बाइंग प्राइस है उससे थोड़ा नीचे दूंगा, एक स्टॉप मैं रिकमेंड करूंगा, उसको ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है जो कि करीबन 51 का है। अगर ये स्टॉक 51 के ऊपर निकलता है तो मैं मानता हूं कि तुरंत ये स्टॉक 54.5-55 तक भी जाने की संभावना है, तो एक अच्छा खासा अपसाइड इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है, होल्ड करने की सलाह है 47.3 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार आपसे भी राय लेना चाहेंगे, अगले लेवल्स क्या देख रहे हैं आप मारुति सुजुकी में? हम काफी समय से देख रहे हैं मारुति सुजुकी में एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, अब आगे के लिए लेवल्स क्या देख रहे हैं आप स्टॉक पर? अगर यहाँ से उछाल बनता है और वो सस्टेन होता है तो मैं मानता हूँ कि रिसेंट हाई जो बना था करीबन 6650 का, तो 6650 तक जाने की संभावना दिखाई दे रही है, उससे ऊपर अगर इसको जाना है तो उसको बहुत ही स्ट्रेंथ दिखानी जरूरी है, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे अगर किसी के पास है तो होल्ड करने की सलाह दूंगा, फ्रेश खरीदारी की सलाह अभी नहीं है। चार्ट के हिसाब से जिनके पास है उनको अगर होल्ड करना है तो जो स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा वो रहेगा 6475। इसके भी चार्ज देखकर बताइए, शानदार तेजी नंबर्स के बाद यहाँ पर देखी जा रही है, एस्कॉर्ट्स में अगर तेजी बढ़ी तो क्या लेवल्स देख रहे हैं आप इस शेयर में? इसको एक रेजिस्टेंस है जहाँ के अभी का जो स्तर है स्टॉक का वो रेजिस्टेंस के बहुत ही करीब है, और वो जो रेजिस्टेंस मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है करीबन 561 का। अगर ये स्टॉक 561 के ऊपर निकलता है तो इसमें एक बुलिश वेज पैटर्न फॉर्मेशन होगा और उसका ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, तो मैं मानता हूं अगर किसी को खरीदारी करनी है इस स्टॉक में तो 562 के ऊपर निकलता है तभी खरीदारी करें, जिनके पास ये स्टॉक है वो फिलहाल होल्ड करें, और उसके लिए मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा 542।